सत श्री अकाल, मैं हाँ अमनदीप सिंह। पंजाब एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में तुहाडा स्वागत करता हाँ। आओ शुरू करते हैं ये खास बुलेटिन पंजाब दी खास खबरों के नाल। चंडीगढ़ विखे मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट की बैठक की गई है। इस मीटिंग दे विच कई पंजाब दे मुद्दों लैके विचार चर्चा की गई है। बैठक के बाद खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस विच उन्होंने मीटिंग विच लए गए फैसलों बारे जानकारी दी है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई च पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक शनिवार को चंडीगढ़ विखे हुई। इस बैठक दे विच मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों अते सारे कैबिनेट मंत्रियों वालों कई अहम फैसले किए गए हैं। पंजाब कैबिनेट की इस मीटिंग विच आटा दाल स्कीम नूं मंजूरी दे दी गई है। नाल ही पंजाब दे विच कई जिलों दे विच हड़ दे कारण होए फसलों के नुकसान का जायजा लैण दे लई भी स्पैशल गिरदावरी करवाए जाण दे हुक्म जारी कर दिए गए हैं। इस दे नाल ही पंजाब दी नवी खेड नीति नूं भी लै के कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस कैबिनेट दी मीटिंग तो बाद पंजाब दे खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस विच उन्हां वालों पंजाब कैबिनेट दी मीटिंग विच लए गए फैसलों बारे लोगों नूं जानकारी दी गई। मीडिया के सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अज एक अहम कैबिनेट मीटिंग सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई च हुई, उन्हें ब्रीफ करन दे लई मेरे नाल मेरे साथी कैबिनेट कोलीग सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल जी और खब्बे पासे सरदार गुरमीत सिंह खुडियां कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार, असी अज तुहानूं इस लई दसना है कि अज किहड़े किहड़े अहम फैसलों के उत्ते कैबिनेट ने मोहर लाई आ। पंजाब नूं जो सुपना सरदार भगवंत सिंह मान जी का गा, जो आम आदमी पार्टी का सुपना गा कि पंजाब नूं रंगला पंजाब किवें बनाउणा गा, उहदे लई अज किहड़े किहड़े असी विशेष कदम अज दी कैबिनेट च चुके नेगे उहनूं ब्रीफ करन लई आयांगे। बहुत अहम फैसले जिहड़े मैं समझदा अज होए नेगे, उहनां विचों सब तों वड्डा जिहड़ा अहम फैसला मैं मंनदा गा कि पंजाब दा जिहड़ा नौजवान आ, पंजाब दा यूथ आ, पंजाब दे मुंडे कुड़ियां ने साडे, उहनां नूं स्पोर्ट्स दे अंदर लैके आउण दे लई पंजाब दे अंदर जिद्दां पहलां जदों सरकार बणी सीगी सरदार भगवंत सिंह मान जी ने हदायत जारी की सी कि खेडां वतन पंजाब दीआं होंदियां सीगियां, खेडां वतन पंजाब दीआं नूं सब तों भरमा हंगारा पंजाब च मिलिया सीगा। सो बहुत सारे खिडारी जिहड़े हैगे नेगे उदों निखर के गेमां दे राहीं खेडां दे राहीं सामने आए सीगे। उसे तहत काफ़ी लंबे अरसे तों पेंडिंग पई, काफ़ी सालों तों पेंडिंग पई जिहड़ी पंजाब दी स्पोर्ट्स दी पॉलिसी सीगी, वो अज दी कैबिनेट दे विच मंजूर हुई हैगी। साडे खिडारी स्पोर्ट्स दे वड्डे वड्डे उन्हां नाल सलाह मशवरा करके तैयार कीती सी, अज उह स्पोर्ट्स जिहड़ी आ नीति नूं अज इस अज दी इस मीटिंग दे विच प्रवानगी मिली आ। पंजाब राज कानूनी सेवावां अथॉरिटी लई असामियां नूं मुड़ सुरजीत कीता गया। लगभग अठ नौ जिलों के अंदर पोस्टां खाली पईआं सीगियां, उन्हां असामियां नूं भरिया गया ताकि जिहड़े कानूनी राज सेवावां अथॉरिटी आ साडी उहनूं होर मजबूत बनाया जावे, जिथे लोकां नूं इंसाफ मिलदा गा, लोगों के झगड़िया के हल होंगे नेगे, आपसी भाईचारे में बैठ के इतने मसले हल होंगे ने, उन्होंने होर ताकतवर बनाने के लिए ये जी असामियों को प्रवानगी दी गई है। इस तरह पंजाब के जोड़े दो बड़े कॉलेज ने गे, सरकारी डेंटल कॉलेज पटियाला अमृतसर, इन्हों के अंदर जोड़े प्रोफेसर से प्रोफेसर पोस्टा एसोसीएट प्रोफेसर पोस्टा काफ़ी लंबे अरसे तो पेंडिंग पगियां, और लगभग 39 पोस्टां नूं प्रवानगी दी गई है। इस तरह पंजाब की इको एक आयुर्वैदिक यूनिवर्सिटी श्री गुरु रविदास जी आयुर्वैदिक यूनिवर्सिटी जिहड़ी कि हुशियारपुर दे विच आ, उहदे विच सीएम साहब की जिहड़ी योगशाला चलती आ उहदे तहत असी बजट का भी प्रबंध किया गया, और पोस्टां दी जिहड़ी आ उह भी क्रिएशन की है कि उत्थे जाके जिहड़ा किस तरह साडा जिहड़ा समाज के लोग ने गे किस तरह वो अपने आप को तंदुरुस्त रख सकन। इस तरह पंजाब के अंदर नवी जिहड़ी पंजाब की क्रशर पॉलिसी सीगी उहदे अंदर काफ़ी सारे सुधार किए गए नेगे, ताकि जिहड़ा हैगा क्रशर के अंदर वो काफ़ी सारे जिहड़ा क्रशरिंग काम आ उत्थे जिहड़ी आ गैर कानूनी क्रशर ना होवे। इस तरह सब तो वड्डी जिहड़ी साडी सरकार का टीचा सीगा और साडी मैं समझदा गरंटी सीगी पंजाब दे अंदर, अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शन दे समय सरदार भगवंत सिंह मान जी ने
इलेक्शन के समय पंजाब के लोगों को कहा सीगा कि जो साड़ी सरकार आऊगी जिहड़ी आटा वंडण की प्रक्रिया गई असीं तुहाडे घर तक लैके जावांगे। सो भी जिहड़ी अज असीं उस भी उस पॉलिसी नूं प्रवानगी दित्ती आ। सो सारा जिहड़े भी बंदे पंजाब दे अंदर लाभपात्री उस स्कीम दे अंदर आउंदे ने, आटा दाल स्कीम दे अंदर आउंदे रहेगे, चाहे उन्हां कोल ऑप्शन होगी, चाहे वह डिपू तो लै सकते हैं गे जिहड़ा डिपू उन्हां नूं आटा, चाहे उतो कणक भी लै सकते हैं गे जो अपने आप नूं आटा लैण लई रजिस्टर कराउणगे तां आटा जिहड़ा हैगा सरकार उन्हां नूं घर तक जिहड़ा हैगा पहुँचाऊगी। इहदे लई असीं घट्टो घट 500 होर डिपू जिहड़े नेगे वह मार्क फैड खोलूगा। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने साडे पत्रकार दीपक शर्मा के नाल खास गलबात की है। इस दौरान उन्होंने मीटिंग विच लए गए कई अहम फैसलों बारे जानकारी दी। पंजाब च हड़ां कारण काफ़ी नुकसान होया और अज हुई कैबिनेट की मीटिंग विच असैसमेंट की गई है हड़ां नूं लैके कि कितना नुकसान होया। साडे नाल गुरमीत सिंह खुडिया जी ने, पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। सर किस तरह की असैसमेंट जी है अज कैबिनेट की मीटिंग की गई? अज सरदार भगवंत सिंह मान होर की अगवाई कैबिनेट मीटिंग से कई फैसले लए गए। मेरा जिहड़ा महकमा खेतीबाड़ी है वो जे आप चर्चा करिए बहुत वड्डा नुकसान पंजाब का होया। असी खेती दे नाल ही अपने पंजाब का ढिड पाल रहे हैं। साढ़े को बहुते वड्डे होर कारखाने कारोबार नहीं जिदे चों 6 लाख एकड़ का वड्डा नुकसान होया। कुछ अंदाजा लाने भी हो सकता 2-4 दिन पानी पुनी का ठीक हो जाए तो कुछ फसल वो बाहर निकलिया हो खड़िया भी हो सकदियां। तो 2 लाख एकड़ का असी प्रबंध करके झोने की पनीरी का दुबारे बीजन की स्थिति च उम्मीद रखते हैं कि असी उसनू दुबारे ला लवेंगे। और जे सारा अंदाजा लाना हो बहुत औखा है क्योंकि अजे तो बहुत थावां ते पानी 8-8-7-7 फुट खड़ा है और बहुत समां ते जिवें सड़कां रस्ते नहरां ट्यूबवैल खाले सूए कोई पता नहीं लग रहा। उन्हां दा नुकसान, साडी खेती दा नुकसान तकरीबन कच्चा जिहा अंदाजा जे लग रहा है भी 1500 करोड़ तो वध साडा नुकसान हो गया। उहदे जे भरपाई सेंटर गौरमेंट करदी है तो अंदाजा ही है भी यह इस तों वध भी सकदा। और उस तो बाद जे वो सानू होर पैकेज देन तो फिर असी दोबारा पंजाब दे लोग अपने वसेबा मुड़ वसेबा हो सकता है। असी पंजाब दे लोग बहुत हिम्मती हैं, देश लई बहुत वड्डी जिदे भी कितें लोड़ है कुरबानियां दी तो असी सरहदां ते भी जाके खड़े हैं। जे अनाज की लोड़ पई तो असी इस देश दे भंडार भरे है। कदे भी पंजाब ने देश की तरक्की तो मुख नहीं मोड़िया, हमेशा ना रहे। अज साढ़े ते वड्डी बिपता है, वड्डा दुख है और इस समय सेंटर की सरकार वालों मोदी वालों साढ़े पंजाब की इस वक्त नूं वेखदिया वड्डी सहायता करनी चाहिए। नुकसान होया कितना कितना जी, इहदी गिरदावरी की गल की जाए तो उहदे लई कोई स्पैशल हुक्म जिहड़े अज मुख्यमंत्री साहब ने यह भी किया गिरदावरी का एक क्योंकि पहला कई थां पता ही नहीं लग रहा किस तरह की है सारे नूं, इसलिए 15 अगस्त तक किया भी सारा कुछ करके सानू और बारिशां रुक जाण तां ही इस संभव है हो जाएगी। और उन्होंने यह भी किया भी मैं पंजाब दे लोकां नाल, पंजाब दे लोकां दा वड्डा उम्मीद है मेरी सरकार ते, ते उन्होंने ये भरोसा दवाया मैं सारा इन्हां दा भरपाई करन लई अपने वल्लों। केंद्र सरकार वालों हुण तक 200 करोड़ तो वध फंड जिहड़े जारी किए गए ने इहनूं सफिशिएंट मंनदे तुसीं, होर अगे किस तरह की मंग करदे? असीं तां कहिंदे आ वी 1500 करोड़ दा अजे कच्चा अंदाजा लाउणे, वध भी होउंदा नुकसान होगा, नुकसान होए तो बाद नवीं जिंदगी चलाउण नूं भी पैसे की लोड़ होंदी है, वड्डे पैकेज की लोड़ आ। मोटा मोटा केंद्र सरकार नूं किस तरह की मदद जिहड़ी है पंजाब दी, इस वेले पंजाब दी किस तरह बाह फड़नी चाहीदी? देखो साडे किसान दा नुकसान होया, साढ़े न मकाना का नुकसान होया, जानी नुकसान होया, उस पंजाब सरकार जिहड़े नॉर्मल बने उहदे नाल 4 लाख रुपया पर हेड दिता है। पशुआं का होया मेरे वाला जिहड़ा महकमा दे विच एनीमल हसबेंडरी भी आ उहदे विचों 40 लाख रुपये दीआं दवाइयां असीं पहले दिन रिलीज़ करतीआं सी। डॉक्टर साहब नूं कह दिता सी वी जिथे जिथे जिवें लोड़ आ वध तों वध और होर भी लोड़ पई तां उस तरह उन्हां दी लोड़ मुताबक। और जिहड़ा
वड्डा नुकसान नहरां दा बहुत वड्डा नुकसान है, घग्गर नदी का जिहड़ा उहने तबाही मचाई है, जमीनां दा नुकसान कई थां तां वड्डे वड्डे जिहड़े खड्डे पट्टे गए 12-12 10-10 फुट कई थां तां मिट्टी उत्ते चढ़ गई, वह सारा देखना पऊ जो उस ते असी पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमेशा पंजाब हिंदुस्तान दे अगे होके लड़िया कित भी है, अज सानू लोड़ है तो उन्होंने साडा ये मुड़ वसेबे लई जरूर योगदान पाउणा चाहिए। केंद्र में जो है पंजाब के मुड़ वसेबे वास्ते योगदान जो है पाना चाहिए, मोटा मोटा एक असैसमेंट जी है कैबिनेट वालों की गई कि 1500 करोड़ का अंदाजन हूँ तक नुकसान जोड़ा होया अजे कि वध भी सकता है नुकसान, लेकिन मोटा मोटा अंदाजा हूँ तक लगाया गया जी केंद्र तो मदद कितने ना कितने केंद्र को मंगी गई और केंद्र किया गया कि पंजाब की बांह जी है इस मुश्किल घड़ी से फड़ी जाए। कैमरा मनिंदर सिंह दीपक शर्मा एमएचएन न्यूज़ चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार के निर्देशों के तहत अपराधिक नैटवर्क नष्ट करने की पूरी तरह वचनबद्ध है। इसी के तहत नवांशहर की CIA स्टाफ को वड्डी सफलता प्राप्त हुई है। CIA स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी करके 1 किलो 200 ग्राम हैरोइन कई लाख रुपए ड्रग मनी भी बरामद की है। नवांशहर CIA स्टाफ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गढ़शंकर रोड स्थित पिंड महेंद्रपुर से नाकेबंदी की। इस दौरान CIA स्टाफ पुलिस ने एक एक्टिवा से सवार दो नौजवानों रोक के तलाशी लई उन्हां कोलों नशीला पदार्थ से 1,40,000 रुपए की ड्रग मनी भी बरामद करके बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस केस के मुखी मास्टर माइंड जो कि रवि बलाचौरिया जो कि अमृतसर जेल के अंदर चलाए जा रहे नशीले पदार्थ से नजायज हथियारों की समगलिंग रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मौके पर DGP यादव वालों अपने ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है कि अपने ट्वीट विच उन्होंने लिखा है कि CIA की टीम ने गैंगस्टर रवि बलाचौरिया वालों शुरू किए गए नार्को संगठित अपराध सिंडिकेट का भांडा फोड़ किया है। मुख्य अपराधियों को 1 किलो 200 ग्राम हैरोइन 3 पिस्तौल 260 जिंदा कारतूस ड्रग मनी भी बरामद की गई है। मामले में तफ्तीश जारी है, होर भी कई वड्डे खुलासे हो सकते हैं। एक अहम प्राप्ति नवांशहर और SBS नगर पुलिस नू हुई है जिहड़े विच इन्हां ने कल गढ़शंकर तो पंडा एक्टिवा स्कूटर ते आंदे हुए दो शख्स अरेस्ट किए करीब 9:15 मेहंदीपुर चौक नवांशहर में। इन्हां तो 1.2 किलो हीरोइन और इस तो अलावा 3 हथियार बरामद हुए हैं जिन्हां विचों एक T-बोर्ड का हथियार है, एक 32 बोर्ड का पिस्टल है और एक 12 बोर्ड का कट्टा है और 260 करीब इन्हां कोल कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। 1,40,000 रुपये ड्रग मनी हुई है और इस अलावा एक तोलने वाला कंडा बरामद हुआ है। तो एक अहम प्राप्ति जी इन्हों की SBS नगर पुलिस की हुई है जिहड़े ते इन्हां ने इस एरिया दे विच एक मेजर हीरोइन और जो गैंग रिलेटेड नैक्सस जो पनप रहा सी उन्हूं इन्हां ने ठल पाई है, उन्हूं पूरी तरीके से डिसमेंटल किया है। इस बारे जानकारी देंदे हुए कौस्तुभ शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवांशहर पुलिस ने नशे ते गैंगस्टर ते नैक्सस नूं तोड़न विच कामयाबी हासिल की है। इस गैंग का मुखी आरोपी अमृतसर जेल विच बंद है, वह जेल तो ही सब कुछ ऑपरेट कर रहा है जो कि नशे ते हथियारों नूं सप्लाई करता सी। इन्हां दोहां नौजवानों नूं गिरफ्तार करन नाल लोकां दा जो नैटवर्क सी उसनूं पुलिस ब्रेक करन विच सफल हुई है। उन्होंने कहा कि दोवें आरोपियों की पहचान आकाश जो कि पारोवाल गढ़शंकर ते आकाशदीप उर्फ बिल्ला वासी मोरावाली गढ़ शंकर दे तौर ते हुई है। इन्हां आरोपियों ते पहले भी कई मामले दर्ज हैं जबकि दूजा आरोपी आकाशदीप पायलट्स की पढ़ाई कर रहा है। दोवें आरोपी नवांशहर विच नशे की खेप का व्यापार कर रहे सन। पुलिस ने दोनों नूं गिरफ्तार करके उन्हां दे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले विच होर भी कई वड्डे खुलासे हो सकते हैं। भारत सरकार वालों उड़ान स्कीम के तहत 28 एयरपोर्टों नूं शामिल किया गया है जिन्हां विच पंजाब दे पठानकोट आदमपुर अते बठिंडा हवाई अड्डे शामिल हैं। उड़ान स्कीम के तहत हुण जल्द ही इन्हां हवाई अड्डियां तों डोमैसटिक फ्लाइटां शुरू कीतियां जाणगियां। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सूबा प्रधान पठानकोट तों विधायक अश्विनी शर्मा ने प्रधानमंत्री अते हवाबाजी मंत्री का धन्यवाद भी किया है। पठानकोट बठिंडा ते आदमपुर एयरपोर्ट ते हुण जल्द ही डोमैसटिक फ्लाइट शुरू की जाएगी। इसका ऐलान भारत सरकार वालों किया गया है। हुण उड़ान स्कीम के तहत 28 एयरपोर्ट नूं स्कीम विच शामिल किया गया है जिसके सीधे तौर पर फायदे आम लोगों नूं मिलेगा। इन्हां विच सफर करना भी सस्ता होगा। भारत सरकार वालों 28 होर हवाई अड्डियां नूं उड़ान स्कीम के तहत शुरू किया गया है ताजो इसका वध तो वध लाभ लोगों नूं मिल सके। इस मौके पर विधायक अश्विनी शर्मा ने कहा कि वह इसके लिए प्रधानमंत्री जी नाल धन्यवाद करते हैं।
पठानकोट के डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि उड़ान स्कीम एक बहुत ही वधिया स्कीम है, पठानकोट के नाल नाल हिमाचल और जम्मू कश्मीर को भी इसका फायदा मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, पहले भी पठानकोट से फ्लाइट चला करती थी उड़ान स्कीम के तहत, पर उसके बाद जब कोविड आया तो सारा ये कुछ टाइम के लिए सारा बंद हो गया था, और मुझे बड़ी खुशी हुई है ये जान के कि दोबारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पठानकोट को इंक्लूड किया है उड़ान स्कीम के तहत। और जो पठानकोट की जोग्राफिकल लोकेशन एडवांटेज है, ये बिल्कुल फुटहिल्स के पास है, और इधर जम्मू की तरफ, दूसरी तरफ डलहौजी, तीसरी तरफ इधर धर्मशाला, सभी के लिए एकदम लोकेशनली इसका एडवांटेज बहुत है। और क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो उसका रनवे बड़ा है, तो यहाँ पे बड़े जेट लैंड कर सकते हैं, तो इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अभी जो सभी लोग बाकी जम्मू जाते थे या अमृतसर जाते थे या चंडीगढ़ जाके फ्लाइट ले रहे थे, सभी को अभी जब से ये फ्लाइट शुरू होगी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और इसी के साथ जो पिछले साल हमारा जो एयरपोर्ट को रोड जा रही थी वो थोड़ा फ्लच एंड डैमेज हो गई थी, वो भी सब ठीक हो गई है, तो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि उड़ान के तहत हमारे यहाँ से फ्लाइट शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा हर वर्ग के लोगों को होगा, इस एयरपोर्ट की शुरुआत होने नाल लोगों को इसका फायदा होगा, पठानकोट ही नहीं सगों आले दुआले के सूबे के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। पंजाब एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में साडे नाल बने रहने लिए तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी खबरों लई तुसी बने रहो MH1 न्यूज़ के नाल। सत श्री अकाल।